नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की है और संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है। सही सुन रहे हैं आप। एक तरफ जहां कल बिहार में भी कैबिनेट की बैठक हुई है, पहली बार ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग में थे, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा गया। उसके बाद बिहार में भी ये फैसला निकल के आया कि सभी जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सीएम सहित जितने माननीय हैं, वो सभी एक साल तक अपने वेतन का 15% हिस्सा इस आपदा कोष में देंगे, आपदा की घड़ी को देंगे, कोरोना संकट से लड़ने के लिए देंगे। आपको बता दें, हम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की, प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की, तो बातें सामने निकल के आई हैं कि कोरोना संकट जो लगातार बढ़ते जा रहा है, अगर हम देश की बात करें तो देश में 5,000 से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। सिर्फ बिहार में 43 लोग अब तक संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है और कई सारे राज्यों ने इस पर सहमति बनाई है कि हाँ, लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की तो उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने भी माना, अधिकतर जो राज्य है वो सभी ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना चाहिए और यही वो वजह है, लॉकडाउन ही करना कहीं ना कहीं सफल रहा देश के लिए कि अब तक 5,000 लोग ही मिल पाए हैं। नहीं तो यदि हम अन्य देशों से तुलना करें तो उन देशों में जो संख्या है संक्रमित मरीजों की वो लाखों में जा चुकी है, लेकिन भारत में लॉकडाउन का ही असर है कि संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो घट रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन जगहों पर संक्रमण नहीं है वहां बंदी खत्म करने की भी सलाह दी गई है। जो बहुत सारे नेता थे उन्होंने यह भी सलाह दिया है कि जिन जगहों पर संक्रमण नहीं है, जिन राज्यों में उतना संक्रमण का प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि 11 अप्रैल को सारे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बार फिर से वार्तालाप होंगे और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जो देश के नाम नरेंद्र मोदी संबोधन में बता सकते हैं। और भी जो संकेत निकल गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ साफ कह दिया है कि वर्तमान स्थिति सोशल इमरजेंसी के समान है, यानी कि सामाजिक आपातकाल। देश में इस वक्त सामाजिक आपातकाल की स्थिति है। पीएम मोदी कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा सकते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी इससे निपटने के लिए हर तैयारियां की जा रही हैं। अगर हम आपदा कोष की बात करें तो आपदा कोष जो कि 350 करोड़ का हुआ करता था, जिसमें 350 करोड़ रुपए थे, उसे बढ़ाकर 8,470 करोड़ का कर दिया गया है। यानी कि आपदा से निपटने के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है वो पूरी तरह से तैयार है। जितने प्रधान सचिव हैं उन सभी के साथ मुख्यमंत्री खुद लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो वो भी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कल कहा था कि जो तबलीगी मरकज से लोग आए थे उन सभी को चिन्हित कर उन सभी को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया है और उनसे बिहार को खतरा नहीं है। लेकिन फिलहाल संक्रमित जो मरीज हैं उन सभी का इलाज किया जा रहा है। अच्छी बात बिहार में यह भी है कि 15 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, अपने घर को लौट चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी और बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की जो बैठक हुई थी विभिन्न दलों के नेताओं के साथ, जो प्रमुख नेता है चाहे वो विपक्ष के क्यों ना हो, उन सभी दलों के नेताओं के साथ जब हुई थी तब ये बातें सामने निकल के आई थी कि 11 अप्रैल को जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा और वह देश के सामने रखा जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ेगी और इससे ही कहीं ना कहीं देश में जो संक्रमित मरीजों की जो मिलने की संख्या है वो घट रही थी। बिहार की अगर हमने बात अब तक पहुंचाई तो बिहार में भी आपदा कोष को बढ़ाया गया है और सभी फैसले सुनिश्चित समय से लिए जा रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लगातार हाथों को साफ करते रहें और आसपास में जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।